हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 9, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लूँ। मतलब मुझे जो वीडियो शूट करनी है तो वह मैं शूट करने जा रही हूँ। तो मैं अपने मायके से आ चुकी हूँ, मायके गई थी मैं और वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने अपनी जो शॉपिंग की इस राखी के त्यौहार पर, क्या क्या शॉपिंग की यहाँ से और वहाँ से, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं था कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, क्या क्या शॉपिंग की है, मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी वैसे मुझे अपने मम्मी के यहाँ से नहीं आना था, लेकिन प्रॉब्लम आ गई ऐसी कि अचानक से मुझे आना पड़ा। वैसे अभी मेरा कोई मन नहीं था आने का, बट मुझे आना पड़ा। तो अभी तो मुझे बहुत कुछ, ना तो मैंने अपनी बहनों से ठीक से मिलाया आपको, ना उनके बच्चों से मिलाया, और ना ही मैंने जो मुझे घूमना फिरना था थोड़ा बहुत साथ में तीनों बहनें इंजॉय करते, वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो बहुत ही जल्दी मुझे आना पड़ा। वैसे मेरा कुछ दिन रुकने का मन था, साथ में रहने का मन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं भाई, देखो सारे काम ज़रूरी होते हैं और हमें अपने जो काम ज़रूरी होते हैं उन्हें हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। तो फिर दोबारा से कभी मौका आएगा तो मैं अपनी बहनों से आपको अच्छे से मिलाऊंगी, एक एक से। वैसे मैंने आपको मिलवाया तो है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलवा पाई मैं। कोई बात नहीं, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इस राखी के त्यौहार पर क्या क्या शॉपिंग की। कुछ मैंने यहाँ से की है, कुछ मैंने वहाँ से की है, मतलब मायके से की है जो मुझे वहाँ से मिला, और मैं बताती हूँ मुझे वहाँ से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले मैं बच्चे से, परी से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको उसकी, मैंने ये दो लेगी ली थी, ये पजामी। तो ये पजामी ली थी मैंने, ये फौजी टाइप की पजामी, ये वाली पजामा टाइप का समझ लो, पजामी टाइप का समझ लो, ये लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, तो इसने काफ़ी पहन भी लिया इसने परी ने ये, पर मैं आपको अब दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है ये। और एक मैंने ये पजामी ली थी, एक ये वाली ब्लैक पजामी, इसमें छोटे छोटे स्टोन से बने हुए हैं, इसमें देखो ये स्टोन से बने हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी निकली, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। मैंने ये सारी शॉपिंग लोकल मार्केट से की है, अपने यहाँ से कहीं वह जगह से नहीं किया, लोकल मार्केट से किया मैंने। और ये लिया है मैंने एक टॉप, ये वाला टॉप लिया है मैंने, तो जल्दी से इसके टॉप मिल भी नहीं रहे थे, क्योंकि अभी क्या है भी ज़्यादा इस बड़ी तो है नहीं है, तो उस हिसाब से इतने छोटे बच्चे के टॉप नहीं आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक टॉप मिला मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा इसको पहनने के बाद, बहुत ही खिल रहा था उसके ऊपर। तो इस तरह से है ये, ठीक है। ये हुई परी की शॉपिंग, और मैं दिखाती हूँ आपको। उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया था, एक टी शर्ट ली थी उसकी मैंने, क्योंकि उसके पास कपड़े थे तो मैंने सोचा कि फालतू में वेस्ट करना पैसे, तो एक टी शर्ट ली थी, क्योंकि त्यौहार पे एक नया कपड़ा तो होना चाहिए पहनने के लिए। तो उसके लिए सिर्फ मैंने एक टी शर्ट ली थी और वो टी शर्ट उसकी रखी हुई। और मैं अपना दिखाती हूँ कि मैंने क्या कर लिया। अरे मैं दिखाऊंगा। एक मैंने ये सूट लिया था अपना, ये भी ग्रीन कलर का है, और ये ग्रीन कलर मेरा फेवरेट बन चुका है। और ऐसा सूट, मतलब इस टाइप का कपड़ा है, साड़ी सूट हर किसी में मिलेगा, ये बहुत चल रहा है, जहाँ भी जाओ ये एक इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत चल रहे हैं। एक ब्लू, एक नेवी ब्लू, और ये काई कलर का ग्रीन, तो ये मैंने लिया था, ये भी लोकल मार्केट से लिया था। तो बहुत ही ये भी अच्छा निकला, ये लार्ज साइज़ का है, ये भी अच्छा निकला, मैंने वहाँ पहना भी था और भाभी इसकी तारीफ भी कर रही थी, कि बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा उन्हें वो। ये वाला कुर्ता है जो मैंने यहीं से लिया था। और एक है ये, क्या है ये, दुपट्टा, ये एक दुपट्टा है, ये रेड कलर का दुपट्टा है, ये भी अच्छा है, मैंने इसको धो भी लिया, वॉश भी कर लिया, और ना तो उसका कलर गया है, ये भी काफ़ी अच्छा निकला था, अच्छा निकला ये भी। और इसी कलर की मैंने एक लेगी ली है, वो मेरी अंदर रखी हुई है, बता रही हूँ आपको, मैंने लेगी ली है पर वो अंदर रख दिया मैंने, उसको नहीं दिखा रही। कुर्ता प्लाजो का पूरा सेट, ये कुर्ता लिया है, ये वाला कुर्ता है,
इसे भी मैंने एक बार पहन लिया है, ये भी पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इस तरह से इसकी बाजू इस तरह से है, स्लीव इस तरह से अच्छा है काफ़ी। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, इसे पहन के मॉल गई थी मैं, और यहाँ वहाँ से अपने घर भी आई हूँ तो मैं यही पहन कर आई थी, तो आपने देखा भी होगा जिसने मेरी वीडियो देखी होगी लास्ट टाइम की। इसके नीचे ये प्लाजो है, तो इसी के साथ का ये, और इसी का ये दुपट्टा है, तो पूरा सेट लिया था मैंने, ये अच्छा लगा। लेकिन इसकी एक कमी ये कि ये प्लाजो इसको वॉश करते टाइम पे इसमें कलर निकल रहा था, मतलब इसमें कलर छोड़ रहा था ये, तो थोड़ा सा ये इसमें मुझे कमी लगी इसकी। बाकी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा निकला, मतलब वैसे तो कपड़ा भी सॉफ्ट है और पहनने भी अच्छा लग रहा है मुझे, और इसको काफी अच्छा है। ठीक है, तो एक बार ही पहना भी मैंने ये, एक ये वाला कुर्ता है, एक ये वाला कुर्ता है, इसे भी मैं यहीं से लेकर गई थी लोकल मार्केट से। तो मैंने ये सारे कपड़े लिए हैं अपने स्कूल के पर्पज़ से, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी पहन भी लूँगी, उसके बाद फिर ये स्कूल में अपने डेली वियर में काम आ जाएंगे। तो इसी कपड़ा काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं जल्दी वहाँ से आ गई, मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो अभी ये ऐसा ही है, मैंने एक बार भी नहीं पहना भी है। इसके नीचे भी ये रेड कलर की लेगी चल जाएगी, ये जो बीच में नहीं है इस टाइप की लेगी चल जाएगी इसके नीचे। बाद हम लोग गए थे मॉल, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हम लोग मॉल गए थे, मैं मेरी दोनों बहनें तो मॉल गए थे, तो वहाँ से हम शॉपिंग करके लेके आए थे, तो काफ़ी कुछ मेरी बहनें भी लेकर आई थी, कुछ अनिता ने लिया था अपने लिए, कुछ पूनम ने लिया था, और मैंने दो चीज़ें ली थी अपनी, और एक निकर लिया है पीयूष का, वो पहना हुआ है तो उसे नहीं दिखा रही मैं आपको, वो निकर लिया था तो वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा निकला क्वालिटी में। और एक मैंने ये प्लाजो लिया है, ये प्लाजो लिया है मैंने, ये प्लाजो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाइट देखो काफ़ी कपड़ों पे चल जाएगा ये वाइट, और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पर ये कॉस्टली भी काफ़ी है। ये ना ऐसा है घेर वाला, मतलब इसका टाइप में बोलो, उसे पहनने के बहुत ही कंफर्टेबल लगता है ये, हमें ये नहीं लगता कि हमें खींचे या बैठने में कोई प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल स्कर्ट टाइप लगता है, मतलब पहनोगे ना जब आप तो उसको आप ये लगेगा जैसे कि हमें स्कर्ट ही पहनी हुई है ये। तो एक ये प्लाजो लिया था, और इसका सेट बनाने के लिए मैंने एक ली थी ये कुर्ती मॉल से ही, ये मॉल से ही कुर्ती लेकर आई थी, ये देखो ऐसी ये कुर्ती है, जब मैं पहनूंगी आपको तब कल दिखाऊंगी, अभी मैंने पहना नहीं है, अभी रखा हुआ है ये कुर्ती है, और ये भी काफ़ी अच्छा है कपड़ा, बहुत चलने वाला भी है। और हाँ, ये मेरी मम्मी ने दिया है, क्योंकि मम्मी ने अपने पैसे दिए थे हम तीनों बहनों को, कि कुछ पैसे दिए थे अनिता को भी, पूनम को भी और मुझे भी, कि तुम्हें जो लेना है वो ले लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ, अपने बच्चों को ले लो या खुद के लिए ले लो। तो हमने तो इसीलिए हम मॉल गए थे कि चलो हम घूम आएंगे और कुछ अच्छा लगेगा तो ले भी आएंगे। तो मैं ये कपड़े दोनों, मतलब ये प्लाजो और ये कुर्ती, ये लेकर आई थी, तो सबको पसंद आया, मतलब इतना पसंद आया ये, तो अनीता जो है ना वो दोबारा मॉल गई थी, और वो दोबारा से वो बिल्कुल इसी टाइप का लेकर आई है, और सभी ने अच्छा बताया, बहुत अच्छा। मैं दिखाती हूँ और मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मुझे ना जरूरत थी पजेब की, पायल की, पूनम है ना गांव में मतलब एटा में रहती है, तो वहाँ पे चांदी क्या है अच्छी मिलती है, तो इसलिए मैंने उसी से बोल दिया था कि मुझे पजेब चाहिए, तो वहाँ से ले आना, तो पजेब लेकर आई है ये। तो मैं ये पजेब देखो, ये डिज़ाइन है इसका, ये पजेब तो ये पहनी हुई थी मैंने, ये पजेब है, ये देखो ये पजेब, ये डिजाइन है इसका, ये पजेब इस तरह से, बहुत ही अच्छी लग रही है, सभी ने अच्छा बताया इसका डिज़ाइन। तो मैंने ये फ़ोन पे मतलब व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे पसंद किया था और उससे मंगाया, तो ये पजेब काफ़ी मुझे भी अच्छी लगी, और
ये बजे लेके आई है, मैं डेली वेयर के लिए लिया है तो अच्छी लगती है पहनने में डेली में, ये मंगाई में। और हाँ ये बिछिया, ये बिछिया मंगाए थे मैंने, ये देखो ये बिछिया मंगाए थे मैंने पूनम से, तो भाभी ने मंगाए थे और मैंने भी मंगा लिए, क्योंकि चांदी ना यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं मिलती चांदी, और वहाँ की चांदी प्योर होती है, जल्दी से काली भी नहीं पड़ेगी, तो इस टाइप की है देखो, है ना सुंदर। तो ये मैंने मंगाए थे, दो दो है, दोनों में पैरों में दो दो, दो इस साइड दो इस साइड। मेरे मंगलसूत्र का इसका लॉक खराब हो गया था, तो यहाँ पे अपनी जहाँ मैं रहती हूँ ससुराल में अपने, मतलब इस जगह पे, वहाँ मैं कई बार दिखाने गई थी सुनार की दुकान पे, तो उसने बनाने से मना कर दिया था कि अभी नहीं बन पाएगा, उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था उस टाइम पे, तो नहीं बन पाएगा, तो उसके बाद मैंने ऐसा कैसे रख दिया, उसके बाद पहना ही नहीं है मैंने। तो अभी मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ, तो वहाँ पे सुनार की दुकान नज़दीक ही है, तो वहाँ मैं पूनम को लेकर गई थी, तो वहाँ से मैं ये अपना लॉक भी ठीक करवा के ले आई, मंगलसूत्र पहले गई है। पता है ये मंगलसूत्र मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरा जो मतलब शादी के बाद जो पहला फर्स्ट बर्थडे आया था, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और मुझे ना ये पता नहीं था कि इसके जो मोती है, ये जो इसके जो उसे मोती लगे हुए ना, मुझे पता नहीं था ये मोती इसके गोल्ड के हैं ऐसे ही हैं, तो मैंने सुनार से पूछा कि भाई ये बताओ कि ये गोल्ड के हैं कैसे हैं, मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बताया कि ये गोल्ड के ही है। तो मैंने इसको दोबारा से पूरी माला बनवाई है, सारे मोती निकाल के दोबारा से बनाई है, तो बहुत अच्छे से बन गई है देखो। ये लॉकेट मेरा काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मतलब हो गए इसको 7-8 साल हो गए घर में रखे रखे, काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉकेट को रखे हुए, और मैं इसको नहीं पहन पा रही थी, मतलब मैंने इसको लिया था सच्चे मोती की माला ली थी उसके साथ पहनने के लिए, तो मैंने कुछ टाइम तक पहना था सच्चे मोती की माला, जो वाइट वाइट मोती नहीं आते उसके साथ में, लेकिन मुझे ना उसमें अच्छा नहीं लगा, किसी मतलब किसी ने अच्छा बताया भी नहीं कि अच्छा लग रहा है, और मुझे खुद को भी मन से अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने क्या माला तो मैंने पहनी काफ़ी टाइम तक, 1 साल तक माला पहनी होगी वो वाइट मोती वाली, लेकिन मैंने ये लॉकेट है ऐसा कैसे उठा के रख दिया। तो फिर अब डेली में पहनने के लिए कुछ ना कुछ गले में चाहिए, जैसे कहीं बाहर जाती हूँ तो खाली गला अच्छा लगता, घर में तो मैं नहीं पहनती, लेकिन जब कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूरी लगता है पहनना कुछ ना कुछ तो हल्का सा ही। तो फिर मैंने कहा चलो क्यों ना मैं इसको बनवा ही लूँ, तो मैंने क्या इसमें माला ना जो मंगलसूत्र की जो माला आती है उस माला में इसको मैंने डलवा लिया है, और ये पहनने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये बनवा वो जो बड़ा वाला मंगलसूत्र है ना उसको रख के आई थी, तो वो उसने 2 दिन बाद दिया था, बस यही सारी गाइस यही थी मेरी सारी राखी की शॉपिंग जो मैंने की थी यहाँ और वहाँ, और मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाइयों ने मुझे पैसे दिए, और पैसे क्यों दिए आपको पता है, क्योंकि कपड़े हम जल्दी से पसंद नहीं करते, मतलब होता है कि नहीं पसंद नहीं आता, तो पसंद ना आए और ना पहने उससे अच्छा है पैसे ही ले लें वो अच्छा है। और वैसे भी बहनें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहनें हमेशा लेने के लिए ही आती हैं, बल्कि बहनें तो ये चाहती हैं कि मतलब हर लड़की हर बहन ये चाहती है कि हमारा मायका सजा रहे और हमारा बस थोड़ा मान सम्मान बना रहे, हमारे मायके बस यही उम्मीद रखती हैं, बाकी लेन देन से कुछ नहीं होता है कि हमें इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, किसी के लेने से किसी का गुजारा नहीं चलता है कि, और बाकी आप समझदार हो समझ सकते हो। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।